अगर आपके पास भी सब्जी बनाने के लिए कुछ भी फ्रिज में अवेलेबल नहीं है, तो ये आसान सी सब्जी आप सिर्फ 10 मिनट में बना सकते हो और सबको ये बहुत पसंद भी आएगी। मैंने यहाँ पर हरा प्याज चॉप करके लिया है 4 से 5। ये टोटली ऑप्शनल है, आप इसके जगह पर नॉर्मल 2 मीडियम साइज के प्याज भी चॉप करके ले सकते हो। ये मेरे पास अवेलेबल था इसलिए मैंने लिया है, ये टोटली ऑप्शनल है। उसके बाद गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, राई, जीरा, 8 से 10 लहसुन की कलियां मैंने चॉप करके ली है, ये डालनी है। आप चाहो तो क्रश करके भी ले सकते हो, और फिर कटा हुआ हरा प्याज, नॉर्मल प्याज हो तो वो डाल दें। ऑयल में इसे अच्छे से हमें भूनना है, बिल्कुल भी इसे कच्चा नहीं रहने देना है। जब हमारा प्याज अच्छे से भून जाएगा तब हल्दी पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर डालना है, और एक्यूरेट जितनी हमें सब्जी बनानी है उतना ही पानी इसमें डालना है। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक डालें। जब ये बॉईल होने लगेगा तब इसमें डालेंगे हम बेसन का आटा। ऊपर से हाथ से बेसन का आटा इस तरह से धीरे धीरे डालना है, और नीचे इस तरह से इसे मिक्स करते जाना है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी इसमें गुठलियां नहीं बननी चाहिए। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और अच्छे से मिक्स 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 करते जाना है इस तरह से। ज्यादा गुठलियां नहीं बनती है, लेकिन कंटिन्यूअसली आपको इसको विस्कर की सहायता से मिक्स करना है। कंसिस्टेंसी आप आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो, लेकिन जितना आटा डालते समय कंसिस्टेंसी होगी उससे जब ये बनेगा तो थोड़ी सी थिक होगी। इस तरह से ऊपर ऑयल आने तक आपको इसे पकाना है। इसे पकाने में आपको 8 से 10 मिनट लग सकते हैं। उसके बाद गैस की फ्लेम को बंद करें, अच्छे से चम्मच से इसे मिक्स करें, और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी के साथ, चपाती के साथ इसे सर्व करें। आप चाहो तो इसे थोड़ा ज़्यादा तीखा बना के राइस के साथ भी सर्व कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया लगता है। रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूले, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ऐसी ही नई रेसिपीज के लिए होम फूड गैलरी।